हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एंजल ब्लैकवेल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो एंजल ब्लैकवेल मॉडल है वो डिस्क्राइब किया था कि जो नॉलेज ऑफ बॉडी है कंज्यूमर बिहेवियर को, उसको फास्ट ग्रोइंग तरीके से बढ़ाएं। और जो ये मॉडल है ये इम्प्रूव करता है डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी, बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स, फोर मेन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड किया है इसको, फिर उसके अंदर फर्दर सब कंपोनेंट्स में डिवाइडेशन है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, डिसीजन प्रोसेस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, ये मॉडल है 1968 में डेवलप किया था EKB मॉडल, फास्ट ग्रोइंग नॉलेज उसको इंक्रीज करने के लिए मॉडल आया था। और जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसकी जो मेन फोर स्टेप्स है उससे रिलेटेड है। उसके बाद उसके जो वेरिएबल्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम में अक्योर होते हैं, और ये जो मॉडल है वो एक लर्निंग मॉडल और प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हुए। अब इसके जो कंपोनेंट्स देखे थे, मॉडल का डायग्राम देखते हैं। यह है एंजल कोलार्ट ब्लैकवेल मॉडल, जिसमें फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थर्ड है डिसीजन प्रोसेस और फोर्थ है वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस डिसीजन प्रोसेस। इनपुट में है स्टिमुली मार्केटर्स डोमिनेटेड अदर्स और एक्सटर्नल सर्च। फिर यह जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, जैसे कि एक्सपोजर, अटेंशन, कंप्रेशन, परसेप्शन, एक्सेप्टिंग और रिटेंशन। फिर ये सब होता है इंफॉर्मेशन की मेमोरी। सारी चीज़ें जो है वो इनपुट के तौर पे होती है। फर्स्ट ये, सेकेंड ये, इसके सब कंपोनेंट एक्सपोजर, अटेंशन, परसेप्शन, एक्सेप्टिंग और रिटेनिंग। आप कितने इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर लेते हैं, आपका कितना अटेंशन है, आपको उस इन्फॉर्मेशन को लेके क्या परसेप्शन है, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कितनी देर तक उस इन्फॉर्मेशन पे रिटेन करते हैं। फिर वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जाएगा, जो इनपुट वाला पार्ट है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। फिर आया इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, ये मेमोरी में सारी चीज़ें गई। फिर होता है हमारा इंटरनल सर्च। अब आता है इंटरनल सर्च के बाद आप जाते हो डिसीजन मेकिंग में। जितनी भी इन्फॉर्मेशन डिसीजन प्रोसेस में, फर्स्ट आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है कंज्यूमर की, इससे पहले के वीडियोस में मैंने उसको पोस्ट किया है, वहाँ से और पढ़ सकते हैं कि आप फर्स्ट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं, फिर सर्च करते हैं क्या क्या इवेल्यूएशन के ऑप्शंस हो सकते हैं या अल्टरनेटिव्स, फिर उनको इवेल्यूएट करते हैं बिलीफ, एटीट्यूड और इंटेंशन के अकॉर्डिंग। आपको किस प्राइस का प्रोडक्ट चाहिए उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हुए। फिर है अगर आपको एवोल्यूशन में कोई सा प्रोडक्ट पसंद आता है अल्टरनेटिव्स में तो आप परचेस करते हैं। फिर आता है आउटकम, आप उसका फीडबैक देंगे, या तो सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन। आपने जैसी एक्सेप्टेशंस रखी थी कि प्रोडक्ट कैसा निकलेगा वैसा निकलता है तो आप सेटिस्फाइड होंगे, और अगर उससे कम क्वालिटी का निकलता है तो आप क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे। फिर परचेस करने के बाद जो आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की थी उसमें आपको बहुत सारे वेरिएबल्स अफेक्ट करेंगे, जैसे इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किसी का क्या मोटिव है किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, वो क्यों परचेस कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके जीने का तौर तरीका, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, सोशल इन्फ्लुएंस, किसी का कल्चर, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, वो कहाँ से बिलोंग करता है, और सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। तो वो सारे फैक्टर्स भी जब आप किसी अल्टरनेटिव्स को देखते हैं तो वह अफेक्ट करते हैं प्रोसेस। अब इन सभी को फोर को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इनपुट स्टेज, जो कंज्यूमर होता है वह जिस स्टेज में इन्फॉर्मेशन निकालता है मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग सोर्सेज से, फिर वो प्रॉब्लम और रिकॉग्नाइज करता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, और अभी तक वो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन पे उसका फोकस नहीं होता है। फिर वो सर्च करता है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को, कि जो भी चॉइसेस है कंज्यूमर के एक्सपीरियंस से वो किसी अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज,
जो स्टेज होती है यहाँ पे कंज्यूमर का एक्सपोजर, अटेंशन, परसेप्शन, एक्सेप्टिंग, रिटेन ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन होता है। जो अभी तक इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें से आप कितना ज़्यादा उसको देखते हैं, उस पर कितना अटेंशन है, परसेप्शन क्या है आपका उस इन्फॉर्मेशन को लेकर, आप कितना एक्सेप्ट करते हैं और कितनी देर तक रिटेन करते हैं। तो जो आपका मैसेज है, कितनी स्पेस है आपके पास इन्फॉर्मेशन की, आप उसका डेटा पूरा कलेक्ट करते हैं। और जो ये मैसेज होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके रहता है। नेक्स्ट है डिसीजन प्रोसेस स्टेज। ये सेंट्रल फोकस होता है इस मॉडल का। इसमें फर्स्ट, जिसमें कि 5 बेसिक स्टेप्स होती है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, प्रॉब्लम को सर्च करना, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, फिर अल्टरनेटिव इवेल्युएशन, फिर परचेज और फिर उसका आउटकम। और इसी स्टेज में आपका एक रूटीनाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। लास्ट वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन प्रोसेस। ये जो स्टेज होती है इसमें इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस करता है। 5 स्टेजेस होती है डिसीजन प्रोसेस की। यहाँ पे इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे मोटिव्स, वैल्यू, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, किसी का कल्चर, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, फाइनेंशियल कंडीशन, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में को अफेक्ट करती है। अगर किसी कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो वो हाई क्वालिटी की चीज़ें परचेस करेगा, नहीं होगा तो लो क्वालिटी की, तो ऐसे के इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।